मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम फैसला आलाकमान को लेना है और पूरा मामला हम सब ने उन पर छोड़ दिया है। वहीं बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार 15 नवंबर या उसके बाद कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल के नाम और विस्तार का फार्मूला लगभग फाइनल कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आलाकमान नेताओं को सौंप दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट, दिवाली के बाद शादियों के सीजन को देखते हुए राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड जहां प्रति 10 ग्राम 850 रुपए चढ़कर 50,500 रुपए पर पहुंच गया है, वहीं चांदी के भाव में भी सोने की तरह जोरदार उछाल आया है। चांदी में आज 1550 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। चांदी 68,100 रुपए प्रति किलो पर खुली है। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की बात करें जो कि कल 47,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज वही 22 कैरेट सोना 48,200 रुपए पर पहुंच गया है। इसी के साथ आपको बड़ी अपडेट यह भी देते चले, शादी का सीजन देव उठने एकादशी से शुरू हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में अटकी शादियों के फेरे भी इस 14 नवंबर से ही शुरू हो रहे हैं। इस अबूझ सावे पर जयपुर में करीब 8500 और प्रदेश भर में 60,000 से अधिक विवाह संपन्न होने का अनुमान है और कहीं न कहीं इसी सावे के चलते सोने और चांदी के भाव एक बार फिर उछाल पर है। और देखिए आज की सबसे बड़ी अपडेट, हम इनको कैसे भूल सकते हैं, ये है राजस्थान के असली हीरो। दरअसल कल राजस्थान के बाड़मेर जिले में बुधवार को सड़क हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ 6 किसान ऐसे भी थे जो देवदूत बनकर आए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर करीब 2 दर्जनों से अधिक लोगों की जान बचाई। सेनाराम सहित कई किसानों ने 22 लोगों की जिंदगियां बचाई, अपनी जान की बिना परवाह किए ददकती हुई आग के बीच कूद गए और एक एक कर 22 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मानवता की मिसाल पेश की। तो यही थी प्रदेश की आज की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के निशान को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।